पीएम मोदी ने एम्स में अटल बिहारी वाजपेयी से की मुलाकात। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से 12 जून को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। एम्स में पीएम मोदी ने की कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। बोले 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के लिए किया जा रहा है काम। दवाइयों की कीमतों में एक तिहाई की आएगी कमी। कालाधन के मामले में पीएम मोदी के दावे हुए फेल। स्विस बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में भारतीयों की जमा पूंजी में 50% की बढ़ोतरी। सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के मंदसौर में निर्भया जैसा रेप कांड। 7 साल की बच्ची को अगवा कर किया गया रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीएम शिवराज बोले फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। सर्जिकल स्ट्राइक प्लान करने वाले सेना के अफसर बोले फैसला पूरी तरह से राजनीतिक नेतृत्व का था। सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले से सेना भी सहमत थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर रची नापाक साजिश। शोपिया में सेना पर ग्रेनेड से हमला। जैश ए मोहम्मद ने ली जिम्मेदारी। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी हत्या मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस का खुलासा। पाकिस्तान ने रची थी साजिश। लश्कर ने हमले को दिया अंजाम। रुपए में आई गिरावट पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बोले एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 40 रुपए होगी तब आएंगे अच्छे दिन। लालू प्रसाद यादव को मिली राहत। झारखंड हाई कोर्ट ने बढ़ाई जमानत अवधि। जमानत 6 हफ्ते के लिए और बढ़ाई गई। जेडीएस नेता और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने दी चेतावनी। कहा क्षेत्रीय दलों को हल्के में ना ले कांग्रेस। मुंबई के घाटकोपर में प्लेन हादसे में बड़ा खुलासा। कंपनी की लापरवाही की बात आई सामने। सूत्रों के मुताबिक खराब था चार्टर्ड प्लेन। परिवार ने उठाई जांच की मांग। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रवक्ता बनने के लिए हुई परीक्षा। पेपर में पूछे गए 14 बड़े सवाल। लोगों के सवाल देखकर छूटे पसीने। झारखंड के खूंटी में सांसद करिया मुंडा के 3 अगवा किए गए सुरक्षा कर्मी रिहा। 72 घंटे बाद पत्थलगड़ी समर्थकों ने छोड़ा। देश के कई राज्यों पर मौसम की मार। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण मनाली लेह हाईवे हुआ बंद। देहरादून में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। अमरनाथ यात्रा में खराब मौसम ने डाला खलल। केवल 1,007 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाकी श्रद्धालुओं की उम्मीद अब भी बरकरार। शैलजा मर्डर केस में पुलिस को एक और कामयाबी। हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और कपड़े बरामद। आज रिमांड खत्म होने पर निखिल हांडा को कोर्ट में किया जाएगा पेश। नीरव मोदी के पास कई पासपोर्ट होने की खबर को विदेश मंत्रालय ने किया खारिज। कहा नीरव मोदी के पास 1 से ज्यादा भारतीय पासपोर्ट नहीं। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेताया। कहा आतंकवादियों को पनाह ना दे पाकिस्तान। वॉशिंगटन इसे नहीं करेगा बर्दाश्त। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज। 8:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। पहले T20 मैच में भारत ने आयरलैंड को 76 रनों से हराया था। और आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की पार्टी में थिरकी नीता अंबानी। ट्रेडिशनल अंदाज हुआ वायरल। लोगों ने डांस को किया पसंद।